दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल ए टू जेड मेक इन एंड टीच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्या है इस हेल्थ आईडी कार्ड से, ये हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि ये एक रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे अगर इलाज कराते हैं तो क्या क्या उन्होंने की सारा एंट्री करके देंगे। ये यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप उनको देंगे तो, और आपको खुद से भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं, डॉक्टर साहब को भी बोल सकते हैं क्या क्या आप उन्होंने दवा आपके इलाज में दिया है, क्या क्या यूज किए हैं, किस डेट में किए हैं, वो सारा मेंशन रहेगा और लाइफ टाइम के लिए। और इससे गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा होगा कि आप के हेल्थ में हमारे जो देशवासी हैं उनके हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा दवा खाने से क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए आप आज जो दवा खा रहे हैं उसका 10 साल के बाद में क्या रिएक्शन होगा आपके शरीर के ऊपर, ये सारा रिकॉर्ड रहने वाला है। इसलिए इसे बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और कहीं भी इलाज कराने के लिए जाएँ आप तो ये हेल्थ यूजर आई डी और ईमेल आईडी ज़रूर दे उनको और ओपन करके बोले एंट्री करने के लिए। ये फ़ायदा है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, इसे ज़रूर बना ले। अभी फ्री में बन रहा है, आगे चल के हो सकता है आपको इसका फीस भी देना पड़े। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आप लोग ज़रूर क्लिक करें और आपका ये हेल्थ आईडी कार्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा, जिसका पूरा डिटेल्स मैं आपको इस पे एक बना के दिखाया हूँ। मोबाइल से भी बन सकता है और आधार से भी, आधार अगर मोबाइल से लिंक है तो कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों, तुरंत सिर्फ आधार नंबर डालिए और आपका ये हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें ये इस तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया खुलेगा, इस पर हम लोग क्रिएट हेल्थ आईडी पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए आधार से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आधार से डालिएगा, आधार से भी हो जाएगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। हम लोग अभी मोबाइल से करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब मोबाइल जनरेट भाया मोबाइल आएगा, अब बैक जाएंगे, इसको जनरल भाया मोबाइल करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमें मोबाइल नंबर मांगेगा तो मोबाइल नंबर हमें भर देना है। अब उसके बाद में देखिए आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद में मैं रोबोट नहीं हूँ इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए। उसके बाद में ये सबमिट कर देना है आपको, सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें दे देना है यहाँ पे। ओटीपी हमें देने के बाद में इसे फिर से यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें नाम लिख देना है, जैसे मुझे सूर्यनारायण सिंह का बनाना है, यहाँ पे सिंह लिख देना है, इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है आपको, यहाँ पे जनवरी उनका डेट ऑफ बर्थ है, फिर 1950 है तो जिस पे भी इसको हम स्लाइड करेंगे तो ये अपने आप आगे पीछे हो जाएगा, 50 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये पुरुष है या महिला वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में नहीं है तो आप अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये पीएचआर नंबर का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पीएचआर नंबर ही मेन है, पीएचआर नंबर बोलिएगा तो आप, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सूर्या डाल रहा हूँ तो ये ले लिया। अगर आप दूसरा कुछ डालेंगे जिसका ऑलरेडी बना हुआ रहेगा तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ग्रीन आ गया नहीं हो गया। अब पासवर्ड इसमें बहुत अहम भूमिका निकालती डालती है तो इसमें हम देखिए, जैसे आप कोई भी दो अक्षर बड़ा डालिएगा, पहले दो अक्षर बड़ा डालना है, फिर उसके बाद में आपको छोटा डालना है, उसके बाद में आपको कोई भी दो अंक डालना है, जैसे 1 2 मैं डाल रहा हूँ, और दो सिंबल भी डालना है एट द रेट हैश,
ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर कंफर्म पासपोर्ट में भी आपको वही देना है, सेम चीज़ डाल देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ एड्रेस भर देना है आपका, जो भी एड्रेस रहेगा। यहाँ पे मेरा सेलेक्ट है तो ऑलरेडी मैंने भर दिया। उसके बाद में यहाँ बिहार है तो राज्य बिहार, मैं बिहार का हूँ तो बिहार भर देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से है आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी तो मैंने मधुबनी भर दिया। अब उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट करना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद ये देखिए कंटिन्यू विथ दिस हेल्थ आईडी लिखा हुआ है, उस पर हमने क्लिक करना है। अब देखिए ये यहाँ बन के आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करना है और एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद देखिए नाम आ गया। तो अब इस पर हमें क्लिक करना है फ़ोटो पे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद देखिए ब्राउज़र में जाएंगे और जिसका भी आपको, जिनका बना रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ये देखिए फ़ोटो पे हम क्लिक किए और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 100 MB से आपका कम होना चाहिए फ़ोटो, नहीं तो नहीं लेगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कट कर लीजिएगा 100 MB। उसके बाद ये ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए ये PHR नंबर फिर से ये मांग रहा है। PHR नंबर हम लोग क्या बना लिखे थे वो डाल देना है। ये ले लिया। ईमेल आईडी मांग रहा है तो दोस्तों आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, जैसे मैं ये डाल दिया। एड्रेस ऑलरेडी मैंने डल चुका है। अब यहाँ पे बिहार डालना है। बिहार के बाद फिर से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सबमिट करना है। ये सक्सेस हो गया और देखिए इनका ये हेल्थ आईडी कार्ड बन गया ऑलरेडी। तो अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और रख लेना है। और ये जो आपने PHR नंबर जो बनाया दोस्तों उसे संभाल के रखिए, क्योंकि कभी भी अगर ये, और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग जैसे लिख देते हैं, और ये आपका हेल्थ आईडी कार्ड नंबर हो गया, ये यहाँ पे आता है JPG में, तो इसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो जाता है, इसे ओपन करके आप मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे सेव करके आप रख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ये कहीं भी इलाज करने के लिए ये काम में आएगा। इसका आप लोग आईडी कार्ड बना के भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो में हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाते रहता हूँ। थैंक यू।